हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, और उम्मीद यही है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना भविष्य सब संवारिए। ठीक है, तो फ्यूचर को अच्छा करने के लिए आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो लोग 12th में हैं, जो लोग 11th में हैं, जो लोग 9th में हैं एंड और जो 10th में लोग है ना प्रेजेंट टाइम में हैं, इन जो है सभी को, छात्रों को मैं यही बोलूंगा भैया, सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हार्डवर्क इतना करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलो सो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। आज एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्व कर रहे थे सोल्यूशन जो है, और ये चल रहा क्लास हमारा जो है, ये हमारा क्लास 12th के लिए हम मैथ पढ़ रहे थे रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो हमने जो है क्लास 12th के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इन माई क्लास, एंड आई वॉन्ट टू से दैट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, इन सबको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है ना कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कल, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से दिए थे आपको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में हमने बताया था कि आप यू कैन सॉल्व इट आल्सो। ठीक है, आप कर सकते हैं उसको भी, है ना। तो ये जो है, जो क्वेश्चन 4 और 5 थे वो आपके लिए मैं छोड़ रखा था होमवर्क के लिए। तो एज ए होमवर्क जो है, आप क्वेश्चन नंबर 5 और 4 जरूर करिएगा। ठीक है, श्योर, और उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो मैंने नोट आज मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चंस है। और तो मैंने जो है आपको कल समझाया था कि रिलेशन के हमारे जो पढ़ने होते हैं, जो 12th में हमको जो पढ़ना रिलेशन के बारे में, इसमें हमारे पास होते हैं कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव होता है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, और इन सब के बारे में मैंने बताया था। और जब किसी रिलेशन में अगर तीनों जो रिलेशन का फॉलो कर जाए, मतलब कि रिफ्लेक्सिव फॉलो कर जाए और यानी सिमेट्रिक फॉलो कर जाए और एज वेल एल यानी ट्रांजिटिव फॉलो कर जाए, तो इन तीनों को अगर फॉलो कोई करता है रिलेशन, इसका मतलब दिस टाइप रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये आप जानते रहिए, हिंदी में कहते हैं समतुल्यता, कहते हैं क्या कहते हैं, समतुल्यता संबंध दिखाता है, समतुल्यता संबंध दिखाता है ये। ठीक है, तो जो लोग हिंदी मीडियम के भाई हमारे हैं वो भी हमसे पढ़ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि मैं इंग्लिश में लिखता हूँ यहाँ पर हूँ, और लेकिन जो मैं समझाता हूँ, जो समझाने का जो मेरा प्रयास रहता है वो बिल्कुल रहता है बाइलिंगुअल। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ रहता है। ठीक है, तो चलो सो गाइस शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। देखो मेरे पास एक सेट गिवन है, कौन सा, चलो सपोज के मेरे पास सेट हो गया ए। जो मेरे पास सेट गिवन है उसका मैंने क्या सपोज कर लिया, ए सपोज कर लिया, एंड इट हैज 3 एलिमेंट, इट हैज 3 एलिमेंट्स 1 2 3 गिवन बाई, मेरे पास एक रिलेशन गिवन है, क्या है, आर इज इक्वल टू। और मैंने बताया था आपको पहले से ही कि जिस रिलेशनवा में ना जो भी एलिमेंट वह होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये आप जानते रहिए, एक आपको पता ही है, क्योंकि जब दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, उनका संबंध बनाते हैं, तो उसी का नाम होता है रिलेशन, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 बोला गया, एक है मेरे पास इसका एलिमेंट, एक 1 2 है, एक है 2 1। लो भाई, अब देखो ये एलिमेंट जो है सेट के कहलाते हैं, ये सेट के एलिमेंट 1 2 3 हो गया, लेकिन ये जो एलिमेंट हमारे किसके होते हैं, वही रिलेशन के। ठीक है, तो कभी भी रिलेशन का जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होता है, और सेट का जो एलिमेंट होता है वो ऐसे 1 2 3 सिंगल सिंगल नंबर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, बोला गया कि इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट नॉर ट्रांजिटिव। देखो नाइदर नॉर, देखो एक वर्ड हमारा तो नाइदर नॉर होता है, नाइदर नॉर, हिंदी तो ना तो ये सिमेट्री है, सॉरी ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना तो ये क्या है ट्रांजिटिव है, बट दिस इज अ सिमेट्रिक। अरे भाई देखो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है सिमेट्रिक के बारे में मैंने क्या बताया था। देखो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, क्या सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ क्या होता है,
symmetric relation. मैंने आपको समझा के पहले बता दिया है शुरू शुरुआत में कि सिमेट्रिक होता है क्या है. सपोज करिए मेरे पास अगर कोई रिलेशन में अगर आर्डर पेयर अगर ए बी बिलोंग करता है तो इसका मतलब उसी रिलेशन में बी ए भी बिलोंग होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ अगर है, अगर ऐसा कुछ दिखता है व्यूज आपको व्यू अगर ऐसा कुछ दिखता है रिलेशन के अंदर, ठीक है, ऐसे एलिमेंट अगर मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, अगर मान लीजिए ए बी है तो इसका मतलब बी ए भी वहां पे होना कंपलसरी है. अगर ऐसा है तो वो कहलाता है सिमेट्रिक. इसका मतलब सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में तो बी ए बिलोंग श्योर करना चाहिए, ठीक है, तभी ये कहलाता है सिमेट्रिक. और सेकंड देखिए, मैंने बता रखा है आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में. इसमें क्या होता है कि आर बिलोंग टू करेगा ए ए, या अदरवाइज बी बी भी कह सकते हो, सी सी भी कह सकते हो, भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, सी सी भी, मतलब बोथ एलिमेंट क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए ऐसे. तो इसका मतलब ऐसे केस में जो भी बनेगा रिलेशन वो बन जाता है रिफ्लेक्सिव बन जाता है, ठीक है. और मेरा थर्ड क्या था, थर्ड का नाम था ट्रांजिटिव. क्या था, ट्रांजिटिव था वो, क्या था, ट्रांजिटिव था वो मेरा. उसमें क्या था, इससे बोला गया था आर अगर बिलोंग, अगर आर में कोई बिलोंग करता है आर्डर पेयर, सपोज करो ए बी, सपोज किया मैंने ए बी बिलोंग किया एंड आर में बिलोंग करता है क्या बी सी, तो इज इंप्लाइड दैट आर है ना, यानी कि ए सी बिलोंग्स टू आर आल्सो. ये जो है बिलोंग होना चाहिए कब, अगर ए बी भी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है, इसका मतलब ए सी भी बिलोंग करना चाहिए. यहाँ पे देखो कैसे चूज करते हैं एलिमेंट के, एलिमेंट को चूज कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव के लिए, ए बी एंड बी ए मतलब इसको सेम रखना पड़ता है, यानी थर्ड एलिमेंट को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है. ए बी बी सी, सपोज करो मेरे पास अगर 1 3 है और 3 4 अगर एलिमेंट लाई करता है, किसमें ये मान लीजिए इसके अंदर है और इसी मैंने बोल दिया 1 4 भी आ गया साथ में, दिस इज ए सो डेट दिस रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव. देखो यहाँ पे 1 3 3 4 तो 4 1 4 क्या हो गया, देखो यहाँ फॉलो किया, हाँ 4 1 फॉलो करेगा. अगर ऐसे कर दिया मैंने, लिख दिया मैंने 4 1 में लिख दिया नॉट फॉलो, यानी कि ये जो कभी नहीं फॉलो करेगा, हमको 1 4 चाहिए, क्या चाहिए, ए सी चाहिए, क्या चाहिए, ए सी, यानी कि पहले 1 चाहिए फिर 4 चाहिए. लेकिन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया है 4 1, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है. लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पे अगर 1 4 अगर आ गया तो बोलेंगे भैया दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है. ऐसे केस में आपको पढ़ना होता है, ये सब मैंने बता चुका, पूरी थ्योरी आपको मैंने बताया है, क्लियरली वहां पे कोई डाउट आपको नहीं होने वाला, ठीक है. तो प्लीज आप जो है मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको सब चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ जानी है, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर बोल रहा भैया करिए इसको शो करिए कि दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, भाई श्योर है, दिख रहा है यहां पर, देखो यहां पर है यार, आर बिलोंग टू किया 1 2 किया एंड आल्सो आर बिलोंग टू क्या कर दिया 2a कर दिया, ठीक है. तो वी नो दैट For symmetric relation में मुझे पता है पहले से कि अगर ए बी बिलोंग करता है किसके अंदर भैया, रिलेशन के अंदर ए बी बिलोंग करेगा तो इसका मतलब इंप्लाई डेट आल्सो बी ए बिलोंग टू इन आर, ठीक है. तो बोलो यहाँ पे ऐसा कुछ मैं जानता हूं, मैं पहले से इसको मुझे मालूम है कि फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर आर बिलोंग करता है ए बी में, मतलब ए बी बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेगा बी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एंड वी सी दैट द रिलेशन फॉलो द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन। द रिलेशन फॉलोज द फॉलोज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। यहां पे देख रहे हैं हम वी सी डेट, हम देख रहे हैं इसमें एक अच्छी देख पाए। देखिए यहां पे अगर ए बी है तो बी ए होना कंपलसरी है। यहां पे देखो 1 2 है, 2 1 भी यहां पे है ना, बिल्कुल देखो 1 2 है, 2 1 यहां पे श्योर है ना। यहां पे 1 2 के साथ 2 1 एग्जिस्ट करता है इन द रिलेशन आर में ना, जिसका मतलब कि यह जो हमारा था, यानी यह जो हमारा था, यह क्या करता है, फॉलो करता है किसको, यह फॉलो करता है क्या, यह फॉलो करता है दिस कंडीशंस को, यानी कि यह फॉलो किसको करता है, दिस कंडीशन को फॉलो करता है। बोलिए, और हम भी मालूम खुद ही पहले से, इसका मतलब मैंने देखा यहां पर, मैं देखता हूं इसमें क्या बोला, द रिलेशन फॉलोज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, इट मीन्स दैट वी हैव प्रूव्ड, we have proved या we will prove that, हम ये प्रूव कर लेंगे कि भैया ए जो है आर क्या है, ये जस्ट सिमेट्रिक रिलेशन क्या करेगा, शो करता है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए बिल्कुल नहीं बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखिएगा आप लोग सिंपली क्या लिखना है आपको, we know that for, देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखिए ऐसे लिखिएगा for रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या मालूम, देखिए यहाँ for रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मुझे क्या मालूम है, आर बिलोंग्स टू ए ए। देखिएगा वी सी डेट द रिलेशन डज नॉट फॉलो द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। यहां पे मैं देख पा रहा हूं क्लियरली, यहां पे वी सी डेट नो एलिमेंट No element exist like AA. देखो अपनी भाषा में कुछ भी लिखो, No element exist like AA. It means that this relation does not follow the condition of reflexive relation. बोलो भैया, तो this relation does not follow the condition of रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब देखिए आपको लिखना बिल्कुल आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, बस आपको सिंपली ऐसे लिख देना, ठीक है। और थर्ड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फॉर ट्रांजिटिव के मैं जानता हूं क्या है, आर बिलोंग टू ए बी एंड आर बिलोंग टू बी सी, तो सी इंप्लाइज दैट आर बिलोंग टू आल्सो ए सी। तो यहां पर देखना वी सी डेट नो एलिमेंट एग्जिस्ट लाइक दिस टर्म्स, है ना, बोला इट मीन्स डेट This relation does not follow the condition of reflexive relation. बोलो तो ऐसे का क्या मतलब हो गया, मैंने यहाँ पे प्रूव कर लिया। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में है ये बाबू, एकदम बिल्कुल इजी है ना, मतलब इतना इजी क्वेश्चन अगर कोई ना कर पाए तो बताओ इसके लिए क्या कर सकता कोई, है ना। क्योंकि आप सब पढ़ रखे हैं पहले से कि भैया कि व्हाट इज सिमेट्रिक क्या होता है। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर ये ए बी बिलोंग करे ना तो बी ए भी बिलोंग होना चाहिए, इसका इनवर्स, ठीक है, ओके। और यहां पे क्या था मेरे पास, ए ए मतलब दोनों सेम सेम एलिमेंट रहे या बी बी रहे, कुछ भी रहे, ए ए बी बी सी सी, अगर ऐसा एलिमेंट लाइक करता है तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज मैंने क्या सीखा था, ए बी हो फिर बी सी हो फिर, तो इसका मतलब अगर ए बी बी सी अगर फॉलो मतलब एग्जिस्ट करता है उस रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब उसी रिलेशन में ए सी भी एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बोलूंगा दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर जहां पर तीनों फॉलो कर गए ना तो उसी का नाम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गया, तो बिल्कुल आसान है बिल्कुल, इसको प्लीज नोट करिए फटाक से। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास, ठीक है, ओके।
देखिए यहाँ पे अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना, इतना मासूम सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कहता क्या है, देखो यहाँ पे प्लीज हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करते हैं, आप भी अपने बुक अगर आपके पास है तो प्लीज उसको राइट सॉरी उसको रीड करिए, रीड करने के बाद बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। लो भाई मतलब मेरे पास एक रिलेशन आर है, वो क्या शो करता है, इन द सेट ऑफ ए है ना ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, मतलब उस लाइब्रेरी के मतलब उस कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें ऑल बुक्स का एक कलेक्शन है, ठीक है, वो सेट ए बनाया गया उसको, ठीक है। गिवन बाई मेरे पास आर को ऐसा दिखाया गया है, मतलब देखो ए क्या है, यस सच दैट एक्स क्या है, देखो आर इज ऑल बुक्स, ठीक है, ऑल बुक्स है ये इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बोला गया, ये चीज बोलेगी बस, यहां पे देखो हो गया, सिंपल बात है ये, ठीक है। और मेरे पास गिवन क्या, आर बताओ, आर मेरे पास क्या गिवन है, एक्स एंड वाई है मेरे पास, सपोज करो ऐसा आर पे बनाया गया एक्स वाई का, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्स वाई ना लेकर मैं कुछ और नंबर ले सकता हूँ, चलो यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे चलो जेड ले, जेड है ये जेड, मतलब ऐसा कुछ मुझे गिवन है। बोला गया कि आर क्या करता है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका मतलब यहाँ बोला गया सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस। लो भाई अब यहां पर देखो मेरे पास ऐसा क्या किया गया, एक्स एंड हाइव एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाओ, मतलब दो बुक यहाँ पे ली गई, एक्स और वाई ली गया, बोला गया कि दोनों की जो क्या है सेम पेज है, यानी कि दोनों में क्या है सेम सेम इक्वल नंबर में पेजेस हैं। अगर सपोज करिए एक्स में अगर हो जाते हैं 100 पेज तो इसमें भी क्या मिलेगा, इसमें भी 100 पेजेस मिलेंगे, ठीक है। अगर एक्स में कितने पेज अगर हो जाते हैं, सपोज करिए कि अगर 100 पेज अगर मिलते हैं 100 पेज, यहाँ भी क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 100 पेज मिलेगा, ठीक है। तो बोला गया कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर चेक करके मुझे बताइए, बोलिए आपको यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मीनिंग क्या है एक्स वाई की, एक्स वाई की मीनिंग ही भैया है कि तीनों इन दोनों के पास सेम पेजेस है। अब बताओ चलो मैं सॉल्व कर दू, कितना आसान, देखो कितना आसान है, और मैं क्या बताऊं, ठीक है। देखो यहाँ पर टू चेक, तो लिखो टू चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, टू चेक फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, चलो चेक किया मैंने, तो मैं अगर इसके लिए चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलूंगा, मुझे मालूम है वी नो डेट, ठीक है, यहां पे लिखो यहां पे ऐसे, तो मैं चेक करता हूं, चलो ठीक है, लेट आर बिलोंग टू यक्स यक्स। अच्छा मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, अगर x के अंदर x x का एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर में अगर एलिमेंट लिखे गए x के r के अंदर, ये बोलता है ना कि दोनों क्या है हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, यानी कि दोनों जो बुक है उसके पास क्या है सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब बताओ मुझे अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास अगर एक ही बुक है, मेरे पास क्या है अगर एक ही बुक है, सपोज करो मेरे पास एक बुक है, मैंने बुक ले लिया, चलो मेरे पास अगर सपोज करो मेरे पास अगर एक ही बुक है, तो क्या इसी बुक को अगर मैं इसी से कंपेयर करूं तो क्या दोनों की सेम पेज नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात भाई, इसी बुक मैंने क्या किया इसी से कंपेयर किया, इसी बुक को मैंने क्या किया इसी से मैंने कंपेयर कर डाला, यानी यक्स यक्स यानी दिस बुक का कंपैरिजन इसी बुक से मैंने कर दिया, तो इसका मतलब दोनों में सेम पेज तो है ना, श्योर है भाई, यहां पे तो आंख मूंद के सीधा बोल दो इसका मतलब क्या बनेगा, यक्स एंड यक्स बोलो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर्स ऑफ पेजेस, बोलो भाई
यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या समझने में? एकदम बिल्कुल आसान भाषा मैंने बोला भैया, यहाँ पे अगर मैं अगर एक ही बुक का कंपेयर अगर एक ही से करूँ तो मुझे सिंपल सी बात है, वो सेवर मिलेगा ही, जो भी क्वालिटी इसके अंदर होगी वही क्वालिटी इसके अंदर। अगर यहाँ पे पेज के बारे में ना बोला गया होता, बोला कि हैव द सेम हैव द सेम थियरी या हैव द सेम सब्जेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे यक्स यक्स बिल्कुल फॉलो कर जाएगा, क्योंकि अगर मैं यक्स का अगर यक्स किसी के साथ ही जो मैं कंपेरिजन करूँ तो सिंपल सी बात है दोनों में क्या मिलेंगे, यक्स यक्स सेम मिलेंगे, ठीक है, दोनों में क्या मिलेंगे, क्वालिटी सेम मिलेंगी बुक्स की, ठीक है भाई, दोनों एक ही बुक तो हैं, ठीक है। ये मेरा पहला क्या हो गया, मैंने चेक कर लिया नंबर वन और मुझे मिला कि दिस इज रिफ्लेक्सिव हो गया, इसका मतलब क्या बनेगा, दिस लेसन क्या मुझे मिल गया, रिफ्लेक्सिव एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब बोला मैंने रिफ्लेक्सिव क्या किया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एग्जिस्ट, ठीक है, ये हमको फॉलो कर गया, पहला वाला तो हो गया, क्लियर हो गया। अगर बात करता हूं टू चेक, मैंने बोला कि टू चेक फॉर किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, बोलो सिमेट्रिक के लिए, टू चेक फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब बताना मुझे यहाँ पे, अब मुझे बताओ अगर मैं एक एक्स मेरे पास एक बुक है, सपोज करो मेरे पास दो बुक मैंने चूज किया, मैंने क्या किया दो बुक मैंने चूज किया, लेट एक्स बिलोंग टू, अगर एक्स वाई है, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है एक्स एंड वाई, बोलो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गया, ठीक है, ये तो मुझे मालूम पड़ गया। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एंड में लिखूं, एंड लिखूं यहाँ पर एंड आर में बिलोंग बोलूं कि एक्स वाई है ना कि वाई, सॉरी एक्स वाई मैंने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस किया, मैंने बोला कि आर बिलोंग टू वाई एक्स हो गया, इसके बाद क्या हो गया, वाई एक्स हो गया, मतलब देखो मेरे पास दो बुक हो गई, सपोज करो मेरे पास एक बुक ये है और ए बुक ये है, तो इसका मतलब क्या कि मेरे पास अगर दो बुक है ऑल पेयर के फॉर्मेट में, अगर मान लो ये एक्स बुक है ये वाई बुक हो गया, तो मैंने बोला कि इसके पास क्या सेम पेजेस हैं। अगर मैं इस बुक को अदला बदली कर दूं, ऐसे लिख दूं ऑर्डर पेयर को, मतलब कि जो बुक पहले ऑर्डर में थी उसको मैंने सेकंड में लिख दिया और जो सेकंड में थी उसको मैंने फर्स्ट पे लिख दिया, ऑर्डर पे लिख दिया, तो क्या दोनों की क्वालिटी में कुछ चेंजिंग हो जाएगी क्या, बोलो क्या दोनों में कुछ पेजेस जो आपके नंबर ऑफ जो पेज हमारे पहले इक्वल थे, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दूं बुक को, चलो मेरे पास बुक ऐसे रखी गई थी ऊपर नीचे ऐसे, मैंने क्या कि बुक को मैंने ऐसे रख दिया, तो क्या ऐसे जो बुक रखी थी और जो फिर बाद में उसी बुक को मैंने ऐसे रख दिया, तो क्या दोनों केसेस में जब ऑर्डर चेंज कर दिया बुक का, तो क्या ऐसे केस में नंबर ऑफ पेजेज कभी चेंज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बोलो भाई मेरे पास अगर दो बुक है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे देखो मेरे पास दिस एंड दिस बुक, मेरे पास अब बोला गया कि इसका मतलब ये है दोनों में क्या सेम पेजेस है, हालांकि यहाँ पे सेम पेज बुक नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पे देखो सेम पेजेस है, यानी कि बुक चाहे लंबी हो चाहे चौड़ी, देखो बुक की साइज से डिपेंड नहीं करता, जो बुक का साइज कैसा है इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, यानी बुक के साइज के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, या किसकी बुक है यानी कौन सी, मतलब वो बुक किसकी, इंग्लिश की है कि हिंदी की है या मैथमेटिक्स की है, यानी कि जो बुक का सब्जेक्ट है यानी जो सभी टाइप बुक्स है उस पर भी कोई डिफाइन नहीं किया गया इसमें, ठीक है, बस डिफाइन क्या किया गया कि भैया इसके जो जो टू बुक्स मेरे पास है ना इसके पास क्या सेम पेजेस हैं, बस मतलब पेज को लेके यहाँ पे कंपेयर किया गया एक दूसरे के साथ, ठीक है, सपोज करो मेरे पास इसमें 100 पेज हो गए और यहाँ पे 100 पेज है सपोज करो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे रखूंगा तब भी 100-100 पेज कहलाएंगे, अगर मैं बुक को अगर ऐसे भी रख दिया तब भी क्या हो जाएंगे, दोनों के सेम पेज तो होंगे भाई ना, इसका मतलब बुक का अगर मैं अदला बदली कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यहाँ पे, इसका मतलब ये भी क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगा, वाई एंड एक्स हैव सेम पेजेस, बोलो भैया हैव नंबर ऑफ हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मैं बात करूं अगर वन से और टू से मैं बात करूं तो यहां पे क्या मिलेगा, इंप्लाइज एंड हेंस इन बोथ केसेज, इन बोथ केसेज the meaning of sentence
द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेज आर द सेम, आर द दोनों केस में क्या है ना, जो मीनिंग सेंटेंस का सेम ही तो है, बोलो भाई दोनों क्या सेम ही तो है, बिल्कुल सेम है। तो मैंने क्या बोला भाई, सेम होगी इसका मतलब दिस इज द आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, सिंपल सी बात है। और तीसरा खुद आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बगल में खुद लिखिए तीसरा वाला, कि टू चेक फॉर ट्रांजिटिव के लिए, किसके लिए भैया, टू चेक फॉर ट्रांजिटिव के लिए, तो टू चेक फॉर ट्रांजिटिव, देखो यहाँ पे टू फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बनेगा। देखो यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास अगर थ्री बुक्स हो गई, क्या हो गई, थ्री बुक्स हो गई मेरे पास, सपोज दिस एंड दिस। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैंने इसको कंपेयर मैंने इससे कर दिया, ठीक है, ए बी दोनों के पास सेम पेजेस हैं। फिर मैंने किया कि इसका कंपेयर मैंने इससे कर दिया, दोनों के पास सेम पेजेस हो गए। अब यहाँ पे मतलब क्या निकला, तीनों के पास सेम पेज, यहाँ पे तीनों के पास क्या हो गया, सेम पेज हो गए। बोलो भाई मैंने बोला कि इस और बीस बुक के पास क्या सेम पेजेज हैं, दो बुक मेरे पास सेम पेज वाले हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कि इसमें से एक बुक निकाल लिया मैंने, यहाँ पे रख दिया, साइड रख दिया मैंने, हटाओ। फिर मैंने बोला कि इस बुक का मैंने एक थर्ड बुक मेरे पास सी थी, मैंने उससे भी कंपेयर किया, तो मैंने बोला कि भैया सेम बुक्स हैं, सेम पेजेस यहाँ पर, यहाँ पर सेम पेज हो गए। अब बताओ इसका भी सेम पेज है, और जो मैंने इससे बनाया था इसका भी, इसका सेम पेजेस हो गया है ना। इसका मतलब क्या मिलेगा ओवरऑल, अगर आप खुद डिसाइड करो, दिमाग से अगर काम करो, तो आप खुद ही बोलोगे कि मैं फर्स्ट एंड थर्ड बुक का भी कंपेरिजन करूं अगर एक दूसरे के साथ, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर भी सेम बुक्स मिलेंगे, सॉरी यहाँ पर जो बुक मिलेगी वो भी क्या मिलेंगी, हैव द नंबर ऑफ सेम पेजेज, बोलो भाई हैव द नंबर ऑफ सेम पेजेज, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो है तीनों के पास क्या रहेंगी, जब बुक्स, जब जो पेज सेम रहेंगे तभी आप क्या करोगे, कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ बात करूं, लेट मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे लेट लेट आर बिलोंग टू, मैं बोलूंगा अगर जो है एक्स वाई है एंड आर बिलोंग टू वाई जेड, क्या है वाई जेड है, सपोज करो क्या हो गया, वाई जेड हो गया। इसका मतलब क्या जानते हो, इसका मतलब x and y have the have same number of pages, इसका मतलब क्या होता है भैया, have the same number of pages हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे same page, यहाँ पे same page, अब बताओ x और y के पास same page हैं, और यहाँ बोला गया y और z का भी same page हो गया, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं compare करूँ देखूँ तो क्या है, x और z का same page नहीं कहलाएगा, बोलो भाई क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बोलो श्योर सी बात है। मतलब जब तक दो, अगर दो लाई करते हैं तो तीसरा लाई यहाँ पे करेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, इम्प्लाई डेट क्या मिलेगा, आर बिलोंग्स टू एक्स से वाई मिले, एक्स से जेड मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिखिएगा कि इट मीन्स डेट एक्स एंड वाई है ना हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड इट मीन्स डेट क्या मिलेगा, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड इम्प्लाई डेट implies that we see that x and z also have same number of pages, बोलो है ना, इसका मतलब कि so implies that r belong to x z मिलेगा। इसका मतलब ये ऐसे केस में जो मेरे पास जो बना रिलेशन वो क्या बन गया, वो देखो यहाँ बन जाता है reflexive, यहाँ बन जाता है symmetric, और यहाँ बन जाता है भैया transitive, बोलो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है transitive, it means that this relation is also equivalent relation, बोलो कोई डाउट यहाँ पर है क्या, नहीं ना, एकदम आसान भाषा मैंने समझा दिया आपको। देखो मैंने बुक ले लिया है ना, आप क्या करो प्रैक्टिकली खुद सॉल्व करो क्वेश्चंस को, और लिखना आपको तो आता ही है बिल्कुल, आप समझोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था सेट करके, वैसे यहाँ ये आपको सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो एग्जिस्ट करेंगे तो थर्ड एग्जिस्ट होना चाहिए, इसको पहले आप क्या करो सपोज कर लो, और इसको बोलो कि ये एग्जिस्ट करता है, सिंपल सी बात है। अगर ये सपोज आपने कर लिया तो श्योर है यहाँ पे इन द केस ऑफ हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस के फॉर्मेट में अगर बात की जाए तो ये श्योर मिलेगा, ये श्योर मिलेगा, बात समझे आप ना। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया भैया सॉल्यूशंस, जो कितना आसान था, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा और इसको आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे लिखा था मैंने यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो फिर लिखिएगा हेंस आल्सो आर बिलोंग टू एक्स जेड, इट मींस दैट एक्स एंड जेड भी क्या मिलेगा, आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो प्लीज नोट डाउन फास्ट।
लुक हियर माय डियर, अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के पास। चलिए देखिए 8 में क्या बोला गया है। आज हम लोग जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो होगा आप अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, और जहां तक होगा कि ये बस सोचिएगा कि हमें जो है कम से कम सॉल्व करना पड़े और आप सॉल्व यदि करें क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस इतना आप पढ़िए मेहनत से, ताकि हमें जो है क्वेश्चन को कम सॉल्व करना पड़े। ठीक है, और आपको अधिक से अधिक सोल्यूशन देना पड़े क्वेश्चन को। ठीक है, तभी आपको मैथ आएगी ना। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक शीट दे दिया गया है, शीट बोला गया ए है क्या मेरे पास, 1 2 3 4 5 है क्या, 1 2 3 4। मेरे पास एक जो गिवन क्या बोला गया, R, R बोला गया भैया, R इज इक्वल टू सच डेट ए बी है, यानी कि सच डेट क्या मेरे पास है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मतलब यहाँ पे सेट को ऐसे लेना है कि ये क्या मुझे इवन मुझे मिल जाए, क्या मुझे मिल जाए, इवन मुझे मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे B को ऐसे एलिमेंट चूज करने हैं कि इसका मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज क्या मिले, इवन मुझे क्या मिले, इज इवन नंबर, यानी कि सम संख्या मिले, डिविजिबल बाय क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ठीक है, जो किससे हो जाए डिवाइड भैया, 2 से हो जाए डिवाइड। आगे देखो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मुझे प्रूव करना है कि ये क्या मिलेगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आगे देखिए, एंड सो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3, यानी कि मेरे पास एक और है एलिमेंट, फिर मेरे पास हो गया बी, सो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 आर रिलेटेड टू इच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू इच अदर। ठीक है, बट नो एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू 2 एंड 4। बोलो क्या बोला गया है, यहाँ बोल ये रहा है कि सो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 आर रिलेटेड टू इच अदर। ठीक है, यानी इसके जो एलिमेंट है आपस में क्या है, आपस में जो रिलेटेड है, यानी कि बोला गया रिलेटेड टू इच अदर, बोला गया रिलेटेड टू ठीक है। और मेरे पास एक सेट और गिवन है मेरे पास, चलो मैंने बोला सी है वो, तो बोला गया 2 एंड 4, यहाँ बोला गया 2 एंड 4। ये बोलता है कि R related to, यानी कि ये भी क्या है भैया, R related to each other, related to each other and but no element of, हाँ यहाँ बोला गया एंड बट नो एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट किसका 1 2 3 का इससे जो रिलेट नहीं करता, यानी बट नो एलिमेंट रिलेटेड टू दिस एलिमेंट। ठीक है, दिस एलिमेंट, अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली गई है। अब यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देते फटाफट इसका, ये बोला गया अगर ऐसा कुछ केस मिलता है मुझे प्रूव करना है दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसको मैंने ऐसे, अब मैं बात करता हूं केस नंबर फर्स्ट के बारे में, मैं बात करूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट में मैं क्या प्रूफ करूंगा भैया, देखो इसको मैं हिंट कर दे रहा हूँ, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, लिख के, ऐसा नहीं कि मुझे इतना लिखना पड़े। ठीक है, इतना मैंने पढ़ा दिया समझा दिया तो आपको सब आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ए बी के एलिमेंट, चलो ए बी में एलिमेंट कौन कौन चूज करोगे कि जो एलिमेंट क्या मिले, इवन नंबर मुझे फॉर्मेट में मिल जाए। देखो यहाँ पे ए बी चूज कुछ भी करो, उसका मॉड निकालो डिफरेंस निकालो जो भी होगा वो क्या मिले, इवन में मिल जाए। और वो एलिमेंट कहाँ लाई करे, ए बी में लाई करे। ठीक है, ए में लाई करे, कहाँ लाई करे, ए में लाई करे वो। ठीक है ना, चलो बताओ यहाँ पे ए बी को कैसे रखोगे आप। अब यहाँ पे देखो, अब ए बी का जो डिफरेंस हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो जाए, जब मॉड अगर निकालोगे दोनों का तो हमेशा क्या मिलने वाला भैया, पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा वो, पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, किस किस को, जो भाइयों को मॉड की जो थ्योरी होती है मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता है, पता ना मुझे ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है ये सबको मालूम है कि नहीं, बताओ ये सबको मालूम है या नहीं है। देखो यहाँ पे बस सिखा दो, यहाँ पे देखो एक चीज समझ लेना है, देखो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास अगर है तो ये वैल्यू होती है एक बार नेगेटिव एक्स होती है, जीरो भी हो सकती है और कभी कभी एक्स होती है। ऐसा क्यों होता है, जब इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना वो क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, या इसके अंदर जो वैल्यू क्या मिल जाए, इक्वल जीरो मिल जाए। अगर यहाँ पे देखो वैल्यू पॉजिटिव का मिलेगी जब ये क्या मिल जाए, मोर देन जीरो मिल जाए। ये होता है मेरे पास
देर आर थ्री कंडीशंस होती हैं मॉड ऑफ एक्स के बारे में। अगर एक्स की जो वैल्यू क्या हो जाए लेस देन जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव एक्स होती। देखो यहाँ पे नेगेटिव एक्स होती है, ये एक्स है क्या, ये जो एक्स है ना भैया वो क्या है, लेस देन जीरो है। क्या है, लेस देन जीरो है, लेस देन क्या जीरो है। अब मुझे बताओ कि जो नंबर लेस देन जीरो होता है वो सब के सब नंबर कैसे होते हैं भैया, वो नंबर सब के सब होते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब देखो अगर ये नंबर अगर हो जाता है नेगेटिव मान लीजिए, तो इसका आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है, खुद ही ऑलरेडी देखो बोला गया। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, ये बन जाता है पॉजिटिव टू। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, जिसका मतलब ये जो आप अच्छे से दिमाग में रखे रहो यही होता है थ्योरी मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है, अब जो बात करता हूँ यहाँ पे, चलो मैं बात करता हूँ कि ए बी में चूज लो करता हूँ। तो मैंने बोला आर इक्वल टू क्या क्या बनेगा, देखो जितने आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है लेसन में बनाओ। चलो ए बी चूज के मैंने किया, मैंने क्या ले लिया 1 3, चाहे ले लो भैया इसको ले लो आप। बोलो देखो इसका डिफरेंस करोगे अगर मैंने इसका माइनस से माइनस किया तो क्या मुझे मिलेगा, इसका आंसर आएगा माइनस टू मिलेगा। इसका जो मॉड निकालना था फिर क्या है, मुझे पॉजिटिव टू मिल गया। ठीक क्लियर हो गया। अगर देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलने वाला है टू, इसका मतलब टू का टू ही मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे तो है नहीं। इसका मतलब इन बोथ केस मुझे क्या मिल जाएगा, दिस रिजल्ट क्या मिलेगा, इज अ इवन नंबर। बोलो इज अ इवन नंबर मुझे मिलेगा, इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर मुझे मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं क्या। अब बताओ अगर 1 3 के साथ अगर 3 1 अगर फिट हो गया तो इसका मतलब क्या समझे, दिस रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। बताना मुझे कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, कोई समस्या है क्या, बोलो। अच्छी बात है, अच्छी बात यहाँ पर समझ गए। चलो आगे देखते हैं, मैंने बोला 1 -1 करो ये क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो क्या अगर मैं जीरो को टू से डिवाइड करूं तो क्या इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, बोलो भी। मतलब जीरो भी क्या होता है, जीरो भी आप बोल सकते हो यहाँ पे ऐसे केस में, जीरो क्या होता है, एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी हम सपोज कर सकते हैं जीरो को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ले लिया 2 4 ले लिया, इसका 4 2 यहाँ पे होना चाहिए। देखो यहाँ जो पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करे ना उसका जो है इनवर्स यहाँ पे लाई करता है, जिसका मतलब दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस रिलेशन इज कार्लस सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब चलो मैं बात करता हूँ 5 3 के बारे में। अब चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बोलो इन बोथ केस क्या मिलेगा, -2 -2 मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को हो रही है क्या। अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 5 और लिखता हूँ 5 1, बोलो बोलो कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या यहाँ पे। यानी कि ये सब के सब क्या फॉलो करते हैं, यानी ये सब के सब शो कर देते हैं भैया हैं कि सिमेट्रिक है। ये सब क्या है, ये हमको बताते हैं भैया रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। क्योंकि अगर ए बी है तो बी ए श्योर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा दिया गया, अगर मॉड नहीं होता तब भी तो शेयर है, यानी कि तब भी अगर ये बोला होता इज इवन, अगर यहाँ पे लगा दिया होता भाई पॉजिटिव नंबर इवन में है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे सब भी कोई दिक्कत ना होती हमको। ठीक है, यहाँ पे बोला गया देखो 1 3 चाहे करो चाहे 3 1 करो, बात एक ही है 2 4 4 2 3 5 5 3 1 4 5 1। देखो इसको डिफरेंस करो, 4 आएगा नेगेटिव 4, तभी इसका क्या मिलेगा, जब मॉड निकालोगे तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो सबका आंसर मिल जाता है पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखो और भी पेयर बनेंगे, अगर बनती है उसको आप प्लीज बना लीजिएगा। क्या बनेगा, देखो 3 1 बन गया, 4 1 तो बनेगा नहीं, चलो हटाओ जाने तो कोई बात नहीं। और कोई बनेगा क्या पेयर, और मेरे हिसाब से कोई पेयर नहीं बनने वाले हैं, कोई बन जाएगा यहाँ पे 1 4, हाँ ये बन गया, और 2 के साथ 4 बन गया, 4 2 बन गया, 5 1 बन गया, 3 के साथ 1 बना बन गया, श्योर है क्योंकि मुझे इवन नंबर्स लेने, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 मुझे लेना है। क्या लेना, मल्टीपल ऑफ 2 मुझे लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे बन गए, यानी कि मेरा जो रिलेशन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया भैया, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो सेम एलिमेंट भी अगर रखोगे तो क्या मुझे मिलेगा बताना, अगर मैं सेम एलिमेंट रखता हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा रिलेशन बताओ, अगर मैं इसके एलिमेंट कैसे रखूं सेम एलिमेंट रख दूं तब भी क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 1 1 रख दो, बोलो भाई 2 2 कर दो, 3 3 कर दो, कोई दिक्कत है क्या, और 4 4 कर दो, 5 5 कर दो, है ना 6 6 में, फिर यहाँ पे नहीं, चलो 6 यहाँ पे नहीं, ये सब के सब क्या मिलेंगे, यानी कि सबका आंसर 0 आएगा, तो 0 / 2 करने पे क्या मिलेगा, ए भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिल जाए, रिमाइंडर क्या मिले, वो 0 मिले,
रिमाइंडर क्या मिले, वो जीरो मिल जाए। सिंपल सी बात है, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये भी फॉलो कर जाएगा इवन नंबर के फॉर्मेट अगर बात की जाए तो, ठीक है। और थर्ड मेरे पास क्या बनता है, यानी कि ये क्या शो करता है, ये मेरे पास शो करता है भैया सिमेट्री, सॉरी ये शो करता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये क्या शो करता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव शो करता है। बात समझ में आपको आ गई। आगे देखिए यहां पर सेकेंड मैं बात करूं अगर आर के बारे में, अगर मैं आर को ऐसा बनाता हूं, अगर देखो यहां पे अगर मैं ए बी लिया और मैंने बी सी ले लिया, अगर ये भी इवन शो करता है और ये भी अगर इवन शो करेगा, इसका मतलब ए सी भी क्या करेगा, इवन शो करेगा। सिंपल सी बात है। चलो मैं चेक करता हूं, बनाता हूं पेयर यहां पे। चलो चलो मैं ले लिया एलिमेंट, कौन से ले लिया मैंने, मैंने ले लिया 1 3। क्या ले लिया मैंने, 1 3। तो मैंने क्या लिखा, 3 के साथ मैंने ले लिया, चलो मैंने ले लिया 5 ले लिया, कोई दिक्कत है क्या बताओ। मैंने क्या रखा था, मैंने देखा कहा था मैंने कि सेकंड एलिमेंट सेम समझ ही, बस यहां पे थर्ड एलिमेंट मैंने 5 चूज कर लिया। बताओ इसका डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, इवन हो जाएगा, ए भी इवन कहलाएगा, दोनों इवन हो गए। तो क्या 1 5 क्या इवन नहीं कहलाता है, बताओ यहां पे। अगर 1 5 की बात करूं तो 1 5 इसका कि 1 5 यानी मॉड ऑफ करोगे क्या बनेगा, मॉड मॉड ऑफ 1 5 क्या बनेगा बताओ, इसका आंसर मिलेगा 4। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। बताओ कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या। इसका मतलब अगर ये दोनों नंबर्स अगर इवन नंबर्स को फॉलो करते हैं, इसका मतलब 1 4 5 भी क्या मिलेगा, इज आल्सो मिल जाएगा इवन। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या किसी को, नहीं ना। आगे देखो, चलो मेरे पास और कुछ बनाता हूँ पेयर, चलो बनाता हूं मैं यहाँ पे 2 4 2 4 4 के साथ मैं लेता हूँ किसको, चलो यहाँ पे 2 4 वाला नहीं बनेगा, 2 4 वाला यहाँ पे एलिमेंट नहीं बन सकता। 2 4 4 के साथ कोई ऐसे पेयर बनाओ जिसको माइनस करने के बाद क्या मिल जाता है, वो है वो मिल जाता है भैया इवन न मिलेगा। लेकिन इवन कब मिलेगा, जब 4 के साथ एक अदर एलिमेंट चूज करेंगे तब, क्योंकि 2 नहीं, यहाँ पर 2 चूज नहीं कर सकते आप, 2 को चूज नहीं कर सकते। तो मेरे पास देखो शायद मेरे पास एक ही बनेगा, रियल की बनेगा, और की बनता है क्या बताना मुझे, और कोई ऐसा रियल बन सकता है क्या, बोलो ऐसा कुछ बनता है बताओ मुझे। ठीक है चलो यहाँ पे ऐसा कुछ बने बने बता दो, देखो 5 3 बनाओ, 3 1 बना दो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे बनेगा 5 3 3 5 एंड 3 1। क्लियर, कि क्या बनेगा 5 1 को बन जाएगा इसका, जस्ट जैसे ही लिखा गया इन्वर्स भी दिया गया मैंने इसको। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा भैया दिस इज कॉल्ड, यानी ये फॉलो किया, ये मुझे बता दिया भैया दिस इज कॉल्ड रिलेशन ट्रांजिटिव। ये क्या शो कर दिया, ट्रांजिटिव मुझे शो कर दिया, बताओ मुझे ट्रांजिटिव मुझे बताया कि बनाया, यानी दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव हो गया। अब ट्रांजिटिव मुझे मिल गया, रिफ्लेक्सिव मुझे मिल गया, यानी कि मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे मिल जाता है यहाँ पे देखो सिमेट्रिक मिल गया, यहाँ मुझे मिल जाता है ट्रांजिटिव मिल गया, और यहाँ मुझे मिल जाता है क्या, यहाँ मुझे मिल जाता है रिफ्लेक्सिव, मुझे क्या मिल गया, दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव मुझे मिल गया। ठीक है तो बताओ यहाँ पे कोई समस्या किसी को हो रही है क्या, समझ गया बताओ, कितनी आसान भाषा मैंने बता दिया आपको, देखिए कितना क्लियरली यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, बिल्कुल सेम वाइज है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इसके भी एलिमेंट क्या करेंगे, देखो चूज करो क्या इसके भी एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ ए बी के फॉर्मेट में, तो क्या इसमें से कोई पेयर नहीं बनाएगा, कौन सा बनाएगा, देखो पेयर देखो बना दिया मेरे पास, कौन सा पेयर बना दिया, 1 3 3 5 बोलो 1 5 ये बना कि नहीं बना, यानी ये बन गया, यानी कि अगर मैं इसको मैं क्या करूं बी के एलिमेंट को चूज करूं ए बी के फॉर्मेट में, जो कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या मुझे मिल जाए, एक सम संख्या मिल जाए, तो इसी केस में क्या मुझे मिलेगा, देखो ये वाला पेयर पक्का बन जाएगा 1 3 3 5 1 5। इसका मतलब दिस रिलेशन इज कॉल्ड, देखो ये सब बन जाएगा ना इसमें, ये सब के सब यहाँ पे फॉलो कर जाएंगे। और देखो यहाँ पे 1 3 भी करेगा, 3 1 भी करेगा, 1 5 भी करेगा, 5 1 भी करेगा, बोलो कोई दिक्कत। और देखो ये बनेंगे, यानी कि देखो अगर मैं बात करूं इसके लिए, देखो ये बनेगा मेरे पास पेयर, एक पेयर देखो ये बनेगा, 2 पेयर बनेंगे और 2 पेयर ये बन जाएंगे। इसका मतलब इन तीनों केसेस में क्या बन गए, दिस इज एन इवन नंबर, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है ना, नहीं ना। आगे देखो और ये वाला बन जाए खुद ही 1 1 3 3 5 5 कर दो, क्लियर हो गया। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ ये भी क्या बनेंगे, बोला गया है कि द ऑल लिमिट रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे देखो अब चेक करता हूँ, यहाँ पर 2 4 ले लो तो 4 4 2 ले लो, 2 4 4 2 ले लो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास एक ही रिलेशन बन सकता है क्या, उसका नाम हो सकता है सिमेट्रिक।
एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए हमको मैक्सिमम थ्री एलिमेंट होने चाहिए सेट के अंदर। यहाँ पे क्या है, कम से कम यहाँ पे थ्री एलिमेंट तो है नहीं, यहाँ पे कितने हैं, एटलीस्ट टू एलिमेंट होने यहाँ पे है ना। यहाँ पे मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम सी हैज टू एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब जो दो एलिमेंट अगर हैं तो सिंपली बात है वहां पे पॉसिबिलिटी बनती है रिफ्लेक्सिव की, और पॉसिबिलिटी बन जाती है सिमेट्रिक की। ठीक है, सिंपल से बात, टू फोर फोर टू, देखो श्योर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा है लेसन ये वाला, ये क्या शो कर सकता है, ये स्क्योर शो करता है, सिंपली ये शो कर सकता है कि दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक एंड एज वेल एज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए एटलीस्ट थ्री एलिमेंट होने कंपलसरी है कोई भी सेट के अंदर। ठीक है ना, तो बात समझ आपको आ गई, ये सब थ्योरी थी आपकी, आपने समझ गया होगा इसको, मेरी बातों को अच्छे से आपने समझ गया होगा। तो फिर से वीडियोस को पॉज करिएगा, फिर बैक करिएगा, बैक करने के बाद फिर सुनिएगा, दोबारा जब रिपीट करेंगे इसको तो मेरी बातें सब अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगी। और आज सिंपली जो है इसको राइट कर लीजिएगा, जैसे भी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पर मेरा काम है भाई गाइड करना, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत टाइम जाने वाला है मेरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको कैसे कैसे बन रहे हैं इसमें, यहाँ पे कैसे कैसे बन रहे हैं, सिमेट्रिक कैसे बन गया, कैसे ट्रांजिटिव बन गया, कैसे रिफ्लेक्सिव बन गया, बोलो यहाँ पे कोई समस्या किसी की होनी चाहिए, तो अगर होती है तो भैया सिंपल सी बात है, उसको आप जो फिर से रिवाइज करके चीजें बिल्कुल समझ में आ जानी। ठीक है ना, चलो भैया मैं बात करता हूँ, आप फटाफट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर शुरुआत करता हूँ 9 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 9 के बारे में, चलो शुरू करता हूँ, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें हम लोग, उसमें क्या बोलता है भाई। ठीक है चलो भाई, हाँ थर्ड बोला गया, थर्ड बोला गया कि दिस एलिमेंट डज इज नॉट रिलेटेड टू दिस एलिमेंट, सिंपल सी बात है भैया, इसका तो बन जाता है भैया इक्विवेलेंस बना देगा रिलेशन, यानी कि जो सेट बी के जो एलिमेंट्स ये क्या बना देंगे, अगर ये मैं यहां से आर का पेयर बनाओ तो मुझे मिल जाएगा दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस कहलाएगा, लेकिन सी डज नॉट इज नॉट इक्विवेलेंस, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितने एलिमेंट है, टू एलिमेंट, इसका मतलब सिंपल सी बात है यह बन जाता है इक्विवेलेंस बन जाता है। देखो यहाँ पे बताओ बना कि नहीं बना, और ये क्या बनेगा, सिंपली क्या बनेगा, या तो बनेगा सिमेट्रिक बन सकता है, या बन सकता है रिफ्लेक्सिव बन सकता है, बोलो मतलब या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिटिव बनेगा कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पैदा होता, यानी कि ट्रांजिटिव कभी बन नहीं सकता। इसका मतलब क्या बना कि दिस रिलेशन दिस सेट इज नॉट रिलेटेड टू दिस सेट, यानी कि इसका जो एलिमेंट इससे कभी भी रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेट बी बन जाता है इक्विवेलेंस, लेकिन सी क्या बन गया, केवल केवल सिमेट्रिक बनेगा, और एज वेल एज क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है ना भैया दोस्तों, तो मुझे बात मेरी बात सबको समझ में आ गई, कितना आसान भाषा मैंने बता दिया, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए बड़ा से। ठीक है, नोट करिए, अब बात करते हैं हम लोग फटाफट, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यहां पे देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला, जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो बोल रहा है भाषा, इसने कहा क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों, देखिए यहाँ पे, चलो मेरे मुझको बड़े भैया मान लिया करो। ठीक है, बड़े भैया की बात माना करो, बस सिंपल सी बात, पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि बड़े भैया की बात हमेशा माननी चाहिए। ठीक है ना, हाँ ये जान लेना, एक बड़े भैया की बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, मेरे पास एक क्वेश्चन बोला गया कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब देखो ए को डिफाइन कैसे किया गया, देखो यहाँ पे ए को लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्मेट में, लिखा गया किसमें, लिखा गया ए को डिफाइन किया गया किसमें, सेट बिल्डर के फॉर्मेट में लिखा गया है, क्या लिखा गया, बोला गया कि यक्स बिलोंग टू जेड है, ये यक्स बिलोंग टू क्या है, ए जेड हो गया। ठीक है, बोला गया सच दैट जीरो, यानी जो एक्स की जो वैल्यू है, यानी एक्स क्या है, मोर देन आर इक्वल टू जीरो बट लेस देन आर इक्वल टू क्या, 12 हो गया। तो भाई ये है मेरे पास जेड, यानी एक्स के बारे में, यानी कि ए के बारे में डिफाइन कर दिया, यानी जो सेट ए में एलिमेंट कैसे हैं, यानी कि वो जो एलिमेंट हैं वो क्या है, जीरो से लेकर कहां तक मिलेंगे भैया, 12 मिलेंगे। देखो क्या मिलेगा, देखो
ऐसे केस में क्या मिलेगा? अब बोला कि जेड क्या करता है, यानी एक्स क्या बिलोंग करता है, यानी एक्स बिलोंग टू जेड, एंड जेड मींस क्या होता है, इंटीजर होता है, तो क्या बनेगा, देखो जीरो बनेगा, वन बनेगा, टू बनेगा, बोलो और क्या बनेगा, मेरे पास ये बोला गया, तो वन है, टू है, थ्री बनेगा, फोर बनेगा, फाइव, सिक्स, सेवन, ऐसे करते करते कहां तक बनने वाला भैया, ट्वेल्व तक बनेगा। मतलब यहां पे किसी को कोई समस्या है क्या? देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। जेड का मतलब देखो होता है मेरे पास, जेड बिलोंग, जेड मींस दैट इंटीजर, क्या शो करता है, दिस इज कॉल्ड इंटीजर शो करता है, यानी कि पूर्णांक संख्या शो करता है। मुझे पता है इसमें क्या, एक नेगेटिव भी होता है इंटीजर हमारा होता है, एक हमारा पॉजिटिव भी होता है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो बताया तो नहीं गया कि जेड कैसा इंटीजर आपका, भैया बता दिया गया, देखो यहाँ बताया गया कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से मोर देन हो, जीरो इक्वल हो या तो मोर देन, दोनों है, यानी जीरो इक्वल भी हो सकता है, यानी कि मोर देन, इसका मतलब जेड जो यहाँ पे जो है, जेड को कैसे वेरीफाई किया गया है, जेड को बोला गया भैया ये है पॉजिटिव इंटीजर है और एज वेल एज जीरो भी इंटीजर है, कैसा है, जीरो इंटीजर है और कैसा इंटीजर मेरे पास मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, एंड वेल एज जेड इंप्लाइड दैट जीरो इंटीजर, ठीक है। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को है क्या? ये है सेट बना दिया मैंने ए को, और ए को ऐसे बोला गया, ए को डिफाइन किया गया सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा गया, तो मैंने इसको लिख दिया रोस्टर फॉर्मेट में, अदरवाइज इसका नेम और एक टेबुलर फॉर्मेट, क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं इसको, हिंदी होती सारणिक विधि, इसकी हिंदी होती नियम विधि होती, ठीक है, नियम विधि से लिखा गया था, मैंने इसको जो है सारणिक विधि से मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, आ गया समझ में। गिवन डेट मेरे पास क्या बोला गया, मेरे पास आर क्या है गिवन, देखो यहाँ पे मेरे पास आर क्या है गिवन, देखो यहाँ पे लुक हियर माय डियर। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हो, ठीक है, मैं यहाँ पे हिंट करने वाला हूँ, आप खुद बताना है इसको कैसे सॉल्व होगा। ए बी है मेरे पास, एक पेयर बना दिया गया, बोला गया सच डेट ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी क्या है, इज मॉड ऑफ, लिखा गया मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, इज द मल्टीपल ऑफ फोर। लो भाई मतलब क्या बोला गया, मल्टीपल ऑफ फोर होगा, और सेकंड क्या बोला गया मेरे पास, एक है जैसे मैं सेकंड में क्या बोला गया, ए बी जो है एक ऐसा जो है पेयर बनाता है सच दैट एज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया, क्या कहते हैं एज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। ये देखो क्लियरली दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है भैया, ए जो क्या शो करेगा, ये शो कर सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या करेगा ये शो करेगा इक्वी, देखो सिंपल सी बात, देखो अगर एम जी में समझाओ वन थ्री अगर इक्वल है तो क्या थ्री वन आपस में इक्वल नहीं कहलाएंगे, बोलो भाई। ये सिंपल सी क्या बना दिया भैया, ये बना दिया मेरे पास, पहला वाला हो गया सिमेट्रिक बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्या किसी को, बोलो कोई समस्या किसी को नहीं ना। आगे देखो आप मुझे बताओ कि अगर वन थ्री अगर इक्वल हो गया है, ठीक है, सपोज करो मेरे पास ऐसा मैंने ले लिया वैल्यू ले लिया वन थ्री की, मैंने क्या ले लिया इक्वल ले लिया, सपोज करो ठीक है, मैंने क्या ले लिया वन थ्री, मैंने क्या ले लिया इक्वल ले लिया, यहाँ पे देखो मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि दोनों की वैल्यू क्या मिले, इक्वल ही मिले, ठीक है, इक्वल ही मिले, तो मुझे क्या करना चाहिए, या अगर यहाँ पे देखो अगर इक्वल सपोज करो हो जाती है, इसका मतलब ये भी इक्वल ही कहलाएंगे, ठीक है, हालांकि इक्वल तो यहाँ पे है नहीं, वन थ्री क्या है यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, वन थ्री क्या है मेरे पास इक्वल यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसे केस में अगर बात करूं कि दो वैल्यूज को मैं अगर इक्वल करता हूं तो इसका मतलब इसको अगर इनवर्स करूं तब भी वो इक्वली कहलाएंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात यहाँ पे दिख रही है साफ साफ ना, क्लियर है आप। आगे देखो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ठीक है, यानी कि जो है इसका जो है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिखना है रिलेटेड टू फर्स्ट इन ईच केसेस में लिखना है, यानी कि पहले के सभी एलिमेंट लिखने हैं, चलो भाई मैं लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मुझे बताना है यहाँ पे, अगर सपोज कर मेरे पास अगर ए बी है और ए बी का मतलब क्या होता है ए इज इक्वल टू बी हो गया, अगर यहाँ बी सी भी फॉलो किया, क्या मुझे फॉलो कर दे बी सी मुझे फॉलो कर गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या बी इज इक्वल टू सी हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया भाई ए इज इक्वल टू बी हो गया, तो क्या इन दोनों की मीनिंग अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या मुझे एज इक्वल टू सी नहीं मिलेगा, बोलो भाई इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, दिस रिलेशन इज आल्सो
ट्रस्टी मिल गया। और सेकंड जो क्या है, अगर मैं ए को मैं ए से कंपेयर करूं तो क्या मुझे ए इक्वल टू ए नहीं दिखाएगा, बोलो ए नहीं शो करेगा। मैं बी को बी से कंपेयर करूं तो इसका मतलब क्या शो करेगा बताओ, मैंने बोला कि बी से बी को मैंने कंपेयर किया तो क्या बी इक्वल टू बी नहीं कहलाएगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या सेकंड के इक्वल हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या सेकंड के इक्वल नहीं कहलाएगा। देखो इसका मतलब ये नहीं कि दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, इसको आप प्रूव कर लेना, ठीक है मेरे बाबू, अच्छे से प्रूव कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो इसके बाद करता हूँ, अब यहाँ पे बनाता हूँ आर इक्वल टू क्या बनेगा, अब सारे एलिमेंट मुझे लिखने हैं, यानी वन के सारे एलिमेंट मुझे लिखने हैं, यानी वन के सारे एलिमेंट मुझे लिख देने हैं। बोला गया कि भैया राइट करो कि सारे जो 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 जितने भी आधे पेयर बनते हैं आर के वो लिखो भैया, है ना, लिख के बताओ कितने बनेंगे। फिर मैं बात करता हूँ इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर वन के बारे में, लुक इन माय डियर, अभी काम करता हूँ जितने भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है सबको लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर वहीं से मैं चूज करूंगा कि इसमें कौन कौन सा पेयर बनाता है रिफ्लेक्सिव, कौन कौन सा पेयर बना देता है सिमेट्रिक, और कौन सा पेयर बनाते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। चलो लिखता हूँ बराबर, यहाँ पे मुझे ए बी को ऐसे मुझे लिखने हैं ना कि मल्टीपल ऑफ फोर मिले, मैंने फोर एट ऐसे मिले, फोर एट ट्वेल्व समथिंग डेट आना चाहिए, यानी कि फोर का मल्टीपल मिलना चाहिए। अब बताओ मुझे, चलो शुरू करो। अब देखो यार, देखो ऐसा कुछ मिले तब भी चलेगा, इसे मैंने बोला कि फाइव माइनस फाइव वन करो और चाहे वन फाइव करो, बोलो इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या कहलाएगा, इसका मीनिंग कहलाता है फाइव माइनस वन, मार जब करोगे तो इसका मतलब फोर आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता कहलाएगा, इसका इसका मतलब क्या मिलेगा, इसका मतलब मिलेगा वन माइनस फाइव मिलेगा, और मार्ड अगर है तो क्या माइनस फोर को मार्ड करने में क्या फोर ही आएगा, सिंपल सी बात। इसका मतलब बोथ केस में क्या मिलने वाला है, देखो तो मैं शुरू करता हूँ, देखो सबसे मिनिमम पार्ट क्या मिलेगा, सबसे मिनिमम जो मिलेगा नंबर वो मिलेगा फोर मिलेगा, तो कैसे मिलेगा फोर, वन एंड फाइव चूज करो। अगर आपने ये चूज कर लिया तो फिर इसको भी आप चूज कर सकते हो ना बोलो, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जो जो पेयर बनाएंगे वो क्या करेंगे, पेयर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, क्या करेंगे इसको फॉलो करेंगे, देखो फॉलो किया कि नहीं किया, सिंपल सी बात, मॉड अंदर लिखा गया है। आगे देखो अब बनाता हूँ फटाफट, यहाँ पे देखो यहाँ पे याद करना कि जो नंबर कहाँ से लिए गए हैं, जीरो से लेके कहाँ से नंबर चूज किया गया है, ट्वेल्थ तक, ठीक है ट्वेल्थ तक नंबर चूज किए गए हैं। अब चलो बात करता हूँ टू एंड सिक्स के बारे में बात करता हूँ, चलो लेता हूँ टू सिक्स के साथ अगर लेता हूँ तो फिर क्या मिलेगा, सिक्स टू मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते रहो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए, एकदम प्यार से समझो, इतनी आसान भाषा में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो कितना आसान भाषा में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बात करो थ्री के साथ, तो थ्री के साथ क्या लेने वाला हूँ, फोर सेवन सेवन, कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। अब चलो लेता हूँ फोर के साथ, तो फोर में क्या आने वाला, तो एट आएगा बोलो, और क्या दिखवाने वाला, एट के साथ आएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ नाइन के बारे में, तो नाइन के साथ क्या मिलेगा, नाइन के साथ मिलने वाला मेरे पास है ट्वेल्व, मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो नाइन के साथ फाइव ले लो, या तो फाइव नाइन कर लो, कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या यहाँ बताओ, कोई दिक्कत है क्या। आगे देखो और कोई पेयर बनने वाले हैं क्या, चेक करता हूँ बराबर, चलो मैं यहाँ पे बात करता हूँ नाइन के साथ, अगर लेता हूँ वन को तो क्या बनेगा, देखो नाइन वन वन नाइन कर लो, बोलो कोई समस्या किसी को हो रही है यहाँ पे, नहीं ना आसान है बिल्कुल, तब बिल्कुल ईजी है, वन नाइन नाइन वन कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं ना। आगे देखो अब बात करता हूँ मैं एट के साथ, एट के साथ अगर वन लूंगा तो कभी नहीं बनेगा, टू लूंगा तो कभी नहीं बनेगा, थ्री मतलब एट के साथ फोर खाली बन सकता है बस, यहाँ पे देखो नाइन के साथ फाइव बन गया, ये बन गया, और कोई बताओ यहाँ पे जितने नंबर और लिए गए क्या इसके साथ किसी की और पॉसिबिलिटी कोई बन सकती है क्या, बताओ सेवन के साथ मैं क्या चूज कर लूँगी जो फोर का मंडल मिल जाए, थ्री के साथ कोई और नंबर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि देखो थ्री के अगर मैंने सेवन वन ले लिया तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा मेरे पास सिक्स मिलेगा, सिक्स क्या है रजनाट मल्टीपल ऑफ फोर, सिक्स क्या है जनाट मल्टीपल ऑफ फोर, सिक्स क्या है जो इजनाट मल्टीपल ऑफ फोर है, सिंपल सी बात। अब मैं बात करता हूँ टेन के बारे में, चलो तो टेन के साथ क्या चूज होता करोगे, टेन एट ले लो, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो मैंने बोला एट टेन ले लो, अब टेन के साथ क्या चूज करोगे और नंबर को, मैंने बोला कि सिक्स टेन ले लिया मैंने और यहाँ पे इस ले लिया, देखो बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं ना, बोलो मेरे बाबू यहाँ पे समस्याएं किसी को है, और देखो टेन टू कर लो, टू टेन कर लो, बोलो भाई यानी कि इन मतलब जो भी पेयर बनाओ उसमें क्या मिले, मल्टीपल ऑफ फोर मिलने चाहिए बस, सिंपल सी बात है ना। और बताओ टेन के साथ देखो इसका बन गया, ये तो नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे ले लो ट्वेल्व, ले लो ट्वेल्व एट कर लो, ट्वेल्व एट करो और एट ट्वेल्व कर लो, आप सही है ना, चलो भाई अब ठीक है ना, बिल्कुल अब क्लियर हो गया, ये देखो ये बना पेयर, ये बन गया पेयर, देखो टेन सिक्स, सिक्स टेन,
टेन टू देखो एट बनेगा, यहाँ पे फोर बनेगा मार्च करने के बाद, यहाँ देखो बनेगा फोर, फोर बनेगा। अब बताओ 12 के साथ कोई और नंबर चूज करो जहां पे मल्टीपल नंबर बन जाए। नहीं करो देखो मैं चूज करता हूँ 12 पे फोर ले लेता हूँ, कितना 12 पे फोर एंड फोर 12 मैंने चूज कर लिया। ठीक है बोलो नहीं मिलेगा मतलब क्या है ना, ऐसे भी आपको बहुत सारे पेयर बन जाने वाले यहाँ पर है, हालांकि बहुत सारे नहीं बनेंगे कुछ यहाँ पे, मतलब एक ऐसा पेयर बनेगा जो कि एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है एक लिमिट में पेयर बनेगा, देखो यहाँ पर 10 के साथ 12 में 4 लिया, 4 12 लिया, बताओ यहाँ पर 12 8 बने कर लिया, और यहाँ पे इसको यहाँ इसको क्या बनेगा, या तो पेयर बनेगा मिनिमम जो बनेगा वो नंबर आएगा 4 या तो आएगा आंसर, या तो 8 आएगा आंसर, सिंपल सी बात है। और 12 आंसर कभी आएगा नहीं क्योंकि 12 नंबर यहाँ मिनिमम नंबर 12 लिखा गया खुद ही पहले से, इसका मतलब 4 आएगा या तो 12 8 आएगा, सिंपल सी बात है। क्या आएगा 4 8, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे देखो 8 आ गया, सिंपल सी बात है 4 8 आएगा। ठीक है या तो कभी इसका डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, इस नंबर को चूज करेंगे तो या तो कभी 8 आएगा, बस सिंपल सी बात है। और 8 के अलावा जो 8 से अधिक नंबर कोई यहाँ पे आने वाला है ही नहीं। ठीक है तो मोर देन 8 कभी नहीं आएगा यहाँ पे, 12 नहीं आएगा, 4 आएगा या तो 8 आएगा। ठीक है ना आगे देखो अब बताओ यहाँ पे कोई और पेयर बनने वाला है क्या, क्या बताना है यहाँ पे 8 ले लिया मैंने, 8 के साथ क्या चूज करूंगा मैंने 4 ले लिया सिंपली बात, और मैं कोई नंबर नहीं चूज कर पाऊंगा 8 के साथ। ठीक है 9 5 लिया मैंने, 5 9 ले लिया, 1 9 9 1 ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। देखो 12 पे मैंने 8 ले लिया, 12 पे 4 ले लिया, 4 12 ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। 6 10 10 6 और 10 2 2 10 हो गया। ठीक है क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई नंबर ऐसा बनता है क्या, देखो 0 को मैंने चूज नहीं किया, अब एक काम करता हूँ 0 साथ चलो 0 ले लो 0 4 कोई दिक्कत, 4 0 चूज करो 0 4 4 0 बेचारा 0 में छोड़ दिया, बताओ कितनी खराब बात है ना। ये भी कह रहा होगा भैया हमको छोड़ के भाग गए, चलो कोई बात नहीं अभी आओगे मेरे पास भाग के, चलो लिखा मैंने 8 लिख दिया, 0 मैंने कर दिया कोई दिक्कत, और 0 8 मैंने कर दिया। बोलो भाई आगे देखो अब क्या बनेगा, 12 बनेगा, 12 लिखा मैंने 0 कर लिया और 0 देर आर ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर विच फॉलो एम एस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। बोलो ये बनेंगे मेरे पास पेयर बन गए, बोलो यही बोला गया कि जितने पेयर आप उसको लिखो, अब यहाँ पे चूज करो ना सब मिल जाने वाले हैं आपके पास। तो लुक माय डियर यहाँ पे सब के सब नंबर मिल जाएंगे आपके पास, क्या है यानी कि ये जो आपके पेयर बने यही पेयर शो करेगा, सिमेट्रिक शो करेगा, ट्रांजिटिव शो करेगा, रिफ्लेक्सिव कैसे शो करेगा देखो यहाँ। अच्छा एक बात तो समझो मेरे पास, मैं अगर बात करता हूँ सेम सेम नंबर के बारे में, क्या मैंने बात किया सेम सेम नंबर मैं जो चूज करूं तो सेम सेम नंबर मैं चूज करूं 0 बनेगा, क्या बनेगा 0 बनेगा, तो क्या 0 को मैं मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्मेट में लिख सकता हूं क्या। बिल्कुल ना, इसका मतलब एक पेयर और बना सकते हो यहाँ पे सेम सेम नंबर को लेके, पेयर एक बना सकते हो, एक पेयर डिफाइन कर सकते हो किसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए। इसका मतलब कितने बन जाएंगे देखो 1 1 मतलब 12 पेयर बनेंगे इसके। ठीक है ले देखे कितने पेयर बनेंगे 12 बन जाएंगे। ठीक है ऐसे केस में आप क्या करोगे वहां पर भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है तो वो तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, आप इसको प्लीज लिख लीजिएगा। ठीक है यहाँ पे देखो ऐसे बनेंगे 1 1 2 4 ठीक है आगे देखो क्या बनेगा 5 5 मतलब ऐसे करते करते बहुत सारे बन जाएंगे, कहां से बनेंगे 12 12। और देखो ये बनेगा मेरे पास, देखो यहाँ पे जो नंबर चूज मुझे पास ए और बी क्या है एक नंबर चूज करने हैं, क्योंकि ए बी को नहीं बोला गया कि 0 है, यानी कि ए बी को 0 नहीं पुट करना। ठीक है यहाँ पे काम करना ये बनेगा मेरे पास, ये पेयर बन जाएगा और इसको आप कहते हैं अप्लाई कर देना, ये मेरे पास बन जाएंगे पेयर। अब बताओ यहाँ पे 1551 है यानी कि वो सिमेट्रिक कहलाएगा, सिमेट्रिक फॉलो किया। अब देखो यहाँ पे 15 चलो मैं चेक करता हूँ 1559 है ना 1559 देखो 15 देखो यहाँ पे 15 है तो 59 देखो यहाँ पे चूज किया, तो क्या देखो 19 क्या चूज करता, देखो 19 चूज करो तो क्या बनेगा देखो मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 एंड आल्सो मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा देखो है ना कि नहीं। 15 देखो यहाँ लाइक किया, देखो 5 पर यहाँ लाइक किया, देखो मैंने क्या किया थर्ड एलिमेंट में यहाँ पे 9 ले लिया मैंने, क्या बनाया 5 1 1 5 5 9 तो क्या मिलेगा 19 कहीं मिला देखो यहाँ मिल गया। इसका मतलब दिस रिलेशन इज कॉल्ड क्या कहलाता है भैया, दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव कहलाएगा। इसका ट्रांजिटिव मुझे मिल गया, सिमेट्रिक मुझे मिल गया, और क्या मुझे मिल गया रिफ्लेक्सिव मुझे मिल गया। इन दिस केस
दिस रिलेशन क्या कहलाता है भैया, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान ही क्वेश्चन था, कुछ राइट पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत लिख लीजिएगा। इस तरीके से मैं ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि डिफरेंशियल तभी बनेगा जब दोनों के एलिमेंट सेम सेम रखेंगे। जब सेम सेम रखेंगे तो ये बन जाता है जीरो, जीरो भी आप मल्टीपल ऑफ फोर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यू कैन राइट जीरो इंटू फोर, क्लियर हो गया ना। ये आप इसको लिखिएगा, देखिए आप यहाँ पे चेक कर देंगे कि यहाँ पे सारे मिलेंगे आपके पास। पहला मिल जाने वाला है रिफ्लेक्सिव, तो मिल गया। सेकंड मिलने वाला है आपके पास सिमेट्रिक, मिल गया। और थर्ड जो मिलने वाला है ट्रांसिटिव, वो हर जगह मिलेगा। देखो 2 6 ले लो भैया, चलो मैंने ले लिया क्या, चलो चेक करो अब 2 6 चेक करो। अब देखो इसके साथ में क्या करो, कोई अदर एलिमेंट चूज करो। देखो मैंने 10 ले लिया, 10 लिया ना। अब देखो 2 10 है कि नहीं होता, 2 10 यहाँ पे देखो दिख रहा है, बिल्कुल है कि नहीं। मतलब सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे चेक करते क्या 3 7। अब करता क्या, देखो 7 लो, इसके साथ एक अदर एलिमेंट जो जो क्या हो, अदर देन किसका 3 से हो। तो चलो यहाँ पे 7 कहाँ पे देखो है, 7 के साथ कोई एलिमेंट और लिया गया है, 7 7 7 सेवन सेवन सेवन, सेवन के साथ कोई एलिमेंट और ले लो। चलो एक काम करता हूँ, 7 के साथ मैं चूज कर, देखो और बनेंगे 7 के साथ बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, 7 के साथ आप ले सकते हो 11। तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं 11 को ना, जिसको भी लिखिए आप प्लीज, इसको लिखिए कि क्या बनेगा। देखो 7 11 और 11 ये बनेगा, देखो नहीं बनेगा, ये सब के सब बनेंगे पेयर यहाँ। तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा, तब देखो 3 और ये क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेंगे मेरे पास, देखो और पेयर बच गया इसके अंदर, क्या बनेंगे और पेयर इसके अंदर बच गए हैं अभी, और पेयर बनेंगे इसके साथ। ठीक है ना, क्या बनेगा देखो, यहाँ पे और लिख लो भैया पेयर 3 11 11 3। बोलो भाई कि कितने भी एलिमेंट बनाओगे, बहुत सारे एलिमेंट यहाँ बन जाने वाले हैं, ये सबका बनने वाला है ट्रांजिटिव, यानी क्या बनेगा, सबका बन जाने वाला है यहाँ पे ट्रांजिटिव बनेगा। बोलो देखो 3 7 लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या मैंने इसको चूज कर लिया है ना। तो अब देखो क्या 3 11 क्या यहाँ शो करेगा, बताओ 3 11 शो क्या करता है, 8 8 शो करेगा ना, यहाँ पे फॉलो करेगा, तो 8 क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव करा दिया। ठीक है, इसका मतलब तीनों हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। और देखो बाबू यहाँ पे जो भी बनता है पॉसिबिलिटी यहाँ बनाओ, ठीक है, जो बनता है यहाँ बना लो पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो आपको लगे बनना बना दो उसको। ठीक है, तो प्लीज सो गाइज, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, आप यू कैन सॉल्व दिस है ना फॉर्मेट। ठीक है, आगे देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। बात करें तो 10 देखो काफी इजी है, करना क्या है कि आपको एक एग्जांपल शो करना है किसके लिए, विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, है ना, ऐसा आप चूज करिए। इसका मतलब एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जो सिमेट्रिक चूज करता हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट और नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब आपको एग्जाम्पल खुद लेने हैं, अपने हिसाब से उसको चेक करना है, आंसर एग्जाम्पल को लिखना है, ताकि वो एग्जाम्पल में क्या करे, उस एग्जाम्पल में जो जो बनता आर जो बने वो आर क्या करे, वनली शो करते हैं, यानी वनली क्या करे, शो रेट सिमेट्रिक करे बट नॉट ट्रांजिटिव अदरवाइज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन सब के बारे में आपको लिखना है, 10 नंबर जो क्वेश्चन आप खुद करिएगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे देखो ये मत कहना कि सर कि आपने लिखा नहीं क्यों पेयर को, तो आप प्लीज इसको लिखो, पेयर को लिखो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं करेगा। अभी देखो मेरे पास एक नंबर है 11 हो गया, 12 आगे 9 के साथ मेरे पास बनी गया है, 10 के साथ मैंने बना ही लिया है, 11 मेरे पास बनी गया है, और 12 के साथ मेरे पास बनी गया, 12 के साथ 4 बनेगा, और एक बन जाने वाले पास कितना है भैया, एक बनेगा मेरे पास सीधा सीधा क्या बनेगा, हाँ 12 8 बन गया। देखो अब कोई ऐसा पेयर नहीं बचा जो यहाँ बनेगा। ठीक है, अब चेक करो 4 8, अब 8 के साथ कोई और चूज करो, 12 हो गया। अब देखो क्या 12 और 4 क्या शो करेंगे, बताओ 12 4 यहाँ पे शो नहीं करता, बिल्कुल शो करेगा। इसका मतलब ईच पेयर जो बनेंगे वो सब के सब डिफाइन करने वाले हैं ट्रांजिटिव। ठीक है ना, एंड सब के सब डिफाइन करने वाले रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सब के सब डिफाइन करने वाले हैं सिमेट्रिक। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कंप्लीट मैंने करवा दिया, तो यहाँ पे आप जो चेक करके फटाफट लिखिएगा। ठीक है, हेयर दिस इज एलिमेंट एग्जिस्ट सो दैट this relation is called symmetric and this relation exists यानी कि so that this is called reflexive, है ना, ऐसे आपको लिखना है। लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा here there are 3 relations are exist, कौन कौन से, reflexive, symmetric and transitive, it means that
दिस रिलेशन ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। और सेकंड क्या है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है आप खुद करिए, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो बिल्कुल आज हम लोग इतने पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं हम लोग कल आपके साथ, फिर हम आने वाले हैं, फिर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कल। हाँ, जो जो दिक्कतें होंगी मैं कल पूरा कर दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए हमेशा, और अपना जो पढ़ाई जो है डेली करना आपको, कभी गैप नहीं करना, ठीक है। एंड वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तभी आपकी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है, विदाउट सर्च किए, ठीक है ना। तो ये सब आपके फायदे के लिए है, क्योंकि पढ़ाई से अच्छा क्या है, दुनिया में कोई चीज ऐसी बनी जो पढ़ाई से बिल्कुल अच्छी हो? तो पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना जो बहुत ही एक सुखमय जीवन होता है पढ़ाई में, ठीक है ना। तो इसका मतलब पढ़ाई अगर कर लिया ना, समझिए आपने जीवन का सबसे अनोखा फल आपको मिल गया, ठीक है। तो पढ़ाई जो है सबसे बेस्ट क्या है, जरूरी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, ठीक है। तो प्लीज पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा, और मेरे साथ पढ़ते रहिए, और मैथ को बिल्कुल दूर भगाइए, मैथ का डर दूर भगाइए, ठीक है, मैथ को नहीं भैया, मैथ का डर बिल्कुल दूर भगाइए। और हमसे जुड़ने के लिए आप जो है सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके, बाय बाय।